वो लोग मेरे कुछ क्वेश्चन दिखाने वाले हैं और वो कुछ जो है, चला रहे है। अच्छा, तो मैं आपको ये एक बात पहले ही क्लियर कर दू मेरे पास मेरे पास भी वॉइस पड़ी हुई है शुक्र अलहमदुल्ला वो मैंने सेंड कर दी थी उधर और बस पास सब पढ़ी चैटिंग मैंने शुरू से लेकर अब तक और मैंने कॉल रिकॉर्डिंग्स भी शुक्र सब की सब रख दी तो शुक्र है कॉल रिकॉर्डिंग्स मैंने करना स्टार्ट कर दी थी तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ तो वो कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जाहिद खान साहब अगर आप उस पर बात करेंगे तो मैं बताऊंगी कि आपने किस वजह से मेरे ऊपर बात करना स्टार्ट किया और वो क्या मेन रीजन रहा जिसकी वजह से आप मेरे खिलाफ हो गए ठीक है मैं आपकी इज्जत रखी रह क्योंकि मैंने आपको भाई कहा था लेकिन अगर आप मेरे ही भाई के ऊपर आप बोलोगे जो भी है वो मेरा भाई है दिलबर और पापा ठीक है तो उनके लिए कोई बात मैं अगर चुप करके सुन रही हूँ तो वो करें मेरे इस बात का थोड़ा मान रखें आप इनसे पूछिएगा इनसे कसम ले हल्फ और कुरान और जो ये लोग बातें करते हैं ना इनके हल्फ पे तो कभी मत जाइए किसने हल्फ लिया था कह रहा मैं तुम्हारे कभी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा जो हल्फ पे फिरने वाले आदमी है खैर आ जाए दुश्मनी पे भाई आप देखे बहन के साथ नागिन कहते हो ना फिर नागिन इच्छा आता है नागिन बने गया सीधा आपको डसेगी पूरा एक सेकंड में खाएगी बहुत गंदी नागिन हूँ ठीक है मुझे डर नहीं लगता आपके जैसे मैंने कहा था ना डर नहीं लगता डर खत्म हो गया अच्छा तो क्या कह रहे थे कि आप आपके पास सेटिंग है तो वो सवाल मुझे ये कहते थे कि ना, मैं मैं मैसेज मे करूंगा फिर तुम मुझे ऐसे ऐसे वॉइस मैसेज करना और जब मैं उसके खिलाफ करी थी वो मुझे डिलीट करवाते कहते फिर से वोसे वॉइस मैसेज करो तो ये वॉइस मैसेज वो रखे उन्होंने कसम से ये मुझे कहते थे जब तो मैसेज बोलूंगा वही तुम करना और कॉल पर समझाते थे तो मैं ये बात, तो बात लिखना तो ये तो वो चीजें आप दिखा रहे हो मुझे तो लगा कि ना आपने कहा था कि ना ये मैं याद करूंगा फिर मैं लाइव में बोलूंगा ना ना ये सवाल तुम याद लिखती जाओ कॉल पे थे हम लोग याद करें कॉल पे थे तुमने बोला ना, ना लिखती जाओ जल्दी से और फिर मैं ये लाइव में बोलूंगा मैंने बोला ठीक है आपने बोला कहना मैं भूल जाऊंगा तो आप इन्होंने मुझे ही कॉल पे याद लिखवाए और अब ये ऐसे फिर रहे अजीब दूसरी चीज वॉइस मैसेजेस भी इसके पास काफी है जो कि इन्होंने खुद मुझसे रिकॉर्ड करवाए थे और कैसा आदमी है खैर ये किसी के साथ भी कुछ कर सकता है और और एक और चीज बहुत मेन रीजन है बहुत मेन रीजन जिसकी वजह से ये मेरे खिलाफ हुआ अदरवाइज ये मेरे साथ थे और वो बात मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं अभी भी भाई जान आपकी इज्जत रखना चाहती हूँ आपको मेरे भाइयों की इज्जत करनी पड़ी ना जो भी है वो मेरे भाई अगर मैं नहीं चाह रही ना कि अगर मैं चाहूँ तो उनके लिए कुछ भी कर लेकिन मैं नहीं, नहीं करना हम लोग खून रहे दिन एक हो जाएंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है जब कोई प्रूफ नहीं मिला तो आपने मुझसे प्रूफ्स बनवाए मतलब सीरियसली बहुत छाती रात हो यार और हाँ एक चीज़ मैं लाजिम बोलूँगी कि बाबर दिलबर मेरे साथ है और जो है हम मेरे अब मतलब अकबर फैमिली जो है वो खेल रही है अ, सितारा के साथ तो लेट मी क्लियर दिस के बाबर दिलबर मेरे साथ है उन्होंने उन मतलब सितारा के लिए साथ खड़े हुए लोगों की अफवाहों की वजह से वो लोग मुझसे बात नहीं बिसमान रहीम अमैलिक क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों की उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे खुश होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अलहमदिल्ला और ये जी मेरे बालों पर मच जाएगा ये नहा धो के बाल मेरे अब सूखे थे कहीं जाके मैं गीले बालों में ब्रश नहीं करती बल्कि अभी भी अंदर से हल्के हल्के से गीले हैं तो ये मैंने हाथों से इसको बस बसीों कर लिया है इसलिए ये ऐसे लग रहे हैं तो मैंने वाकई ब्रश नहीं किया वह तो मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं कोई बोले कि बालों का क्या हाल हो रहा था और ये वो तो बाल मैंने ब्रश नहीं किए मैं गीले बाल में ब्रश नहीं करती तो चले जी अब आगे बात शुरू करते हैं और बात तो ये है कि आपने ऑडियो सुन ली होगी नैना साहेबा की ऑडियो सुन ली कुछ समझ में आया है क्या बोलना चाहिए एक तो थोड़ी सी ना मतलब ये जो गुलाबी उर्दू है ना ये भी मेरी समझ में नहीं आती इन लोगों की बहुत गुलाबी उर्दू है यार बंदा उर्दू तो सही बोल लिया करे क्या बोलना चाह रहे हैं मतलब रिव्यू देने वालों को मतलब तो घन तो चक्कर बना देते हैं मतलब मैं मिलाती रह जाती हूँ इधर से उधर जुमले के क्या बोलना क्या चाह रही मतलब जो मेरी समझ में आया वो यही है कि भाई ये कहना चाह रही है कि जो वो साहब हैं उन्होंने इनको बोला है कि मैं आपको बताऊंगा इस तरह की आ, मुझे जवाब दीजिए और ये करिए कुछ इस तरह की बातें कहना चाह रही है ये औरत तो मतलब खातून नैना तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि नैना कोई नन्नी काकी बच्ची है एक तो वो तो है ही शातिर ब्लैक मेलर हैं मैं तो उनको तो एक तरफ रखी दें वो तो एक नंबर का ब्लैक मेलर है वो मैं इससे पूछना चाह रही हूँ जब वो इस तरह की बात कर रहा था कि मैं इस तरह की तुमसे बात करूंगा और मुझे इस तरह का जवाब देना और उसके मतलब का जवाब नहीं दिया तो फिर वो कहता है कि नहीं दोबारा से इस तरह का जवाब दो तो ये कोई नन्ही काकी है ये नहीं बोल सकती कि आपको मुझसे सच सुनना है या वो बात सुननी है जो आप कहना चाह रहे हैं मतलब उन उनको पहली दफा में शर्टाफ कॉल देती कि, कि क्यों मैं वो बोलूं जो आप चाह रहे हैं आपको सच सुनना है तो सच सुने ना आप सच सुनने आए इधर मेरे पास मुझे बहन बनाया मुझसे सच जानना चाह रहे हैं तो मैं सच ही बताऊंगी ना वो बात क्यों करूं कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की रिकॉर्डिंग मतलब इस तरह की बात करना इस तरह का जवाब देना ये करना और ये दे भी रही हैं और उनकी बात मान भी रही हैं मतलब कुछ समझ में नहीं आई अगर आप लोगों के कुछ समझ में आ रहे हो ये जुमले ये मतलब मिला मलू के आप समझ पाएं ये गुलाबी उर्दू तो मुझे ज़रूर बताइएगा हो सकता है मैं गलत समझ रही हूँ भाई <laughs> मैं ना मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है हौसला नहीं है कि इतनी शकील किस्म की उर्दू को मैं समझ सकूं ये लोग जुमले ही सही नहीं बना पाते समझा ही नहीं पाते कि सामने वाले को बोलना क्या चाह रहे हैं वीडियो में बात क्या करना चाह रहे हैं भाई नैना प्लीज अपनी उर्दू सही करो या जुमले लिख कर तुम वो पढ़ लिया करो कि मैंने लिख लिया है कि मैं इस तरह जुमले पढ़ूंगी बहुत परेशान किया है चलो खैर तो खैर एक तो ये बात क्लियर हो गई कि वो चाह रहे थे कि जैसे उनको जवाब चाहिए नैना उनको जवाब दे और नैना उस तरह की रिकॉर्डिंग ही मतलब वो रिकॉर्ड भी कर रहे थे उन्होंने हलपन कहा था कि मैं कोई बात रिकॉर्ड नहीं करूंगा यूँ नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा ये तो झूठ होता है कौन रिकॉर्ड नहीं करता आजकल तो सब सब बच्चा बच्चा यहाँ रिकॉर्ड कर रहा है झूठ जो ये बोले ना मैं तुम्हारी बातें रिकॉर्ड नहीं कर रहा वो झूठ बोलते हैं इतनी साजिशें सियासतें फैल गई हैं वाई टी पर और इतने चलहत्तर लोग हो गए के भाई यहाँ तो किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए यूट्यूब की कोई दोस्ती नहीं है यूट्यूब की ना कोई तो दोस्ती ना याराना दूर दूर बहुत फासला सौ गज से ज्यादा का फासला रखना चाहिए सबसे बस दूर दूर से अलैकुम, वालेकुम सलाम बस टाटा बाय बाय इससे ज्यादा यहाँ बात ही नहीं करनी चाहिए किसी से कोई बहन नहीं कोई भाई नहीं कोई, नहीं, कोई दोस्त नहीं कोई अम्मा अब्बा नहीं कुछ नहीं है और जी दूसरी बात उन्होंने ये कही कि देखिए वो जो है ना बाबर दिलबर अकबर फैमिली जो है जी वो मेरे साथ ही हैं आप ये कह रहे हैं कि वो न, सितारा के साथ नहीं है वो सितारा के साथ भी हैं सितारा के साथ है सितारे के साथ करें लेकिन इनके साथ भी हैं मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया अब हम तो बो, बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के थक गए कि ये सब आपस में मिले हुए ये सब आपस में मिले हुए ये जो लड़ाई झगड़ा ड्रामे ये सब दिखाते हैं ये झूठ होता है ये आपस में कोई नाराज़ नहीं होते कैमरा बंद होते ही हा हा ही ही करते हैं और हंसते हैं कि हा 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 पागल बना दिया यूट्यूब फैमिली को पागल बना दिया तो जी ये यही कर रहा है निकल ली गई नैना ने बता ही दिया ये जो नदीम और वो सज्जू जो है ना घोंचू उनकी लड़ाई हो वो भी ड्रामेबाज है नदीम भी उनके नॉर्मल वीडियोज जो बनाते हैं व्लॉग्स बनाते हैं उसमें कोई व्यूज नहीं आते इसी तरह की बातें करते हैं तो आते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा वो भी दिखाते हैं घोंचू भी दिखाता है बाबर दिलवर भी दिखाते हैं अभी इन्होंने ये बोला कि दिलवर मुझसे बात नहीं कर रहे है वो लेकिन ये कि वो भी कोई ऐसा नाराज नहीं है जो भी बात होगी हो जाएगी बात आपस में आ, बाबर तो फिर भी कर रहा है और वो इस वजह से नहीं कर रहा कि उनके ऊपर प्रेशर है लोगों का सामने वो इस वजह से बात बात नहीं करते ये लोगों का प्रेशर है कि भाई नै नैना नागन से बात नहीं करनी है तो इस वजह से वो नहीं करते हैं और ये जो है बाजी ये भी इसी वजह से नहीं करती है बाजी की भी खूब दोस्ती नैना से चल रही है सबसे चल रही है और आखिर में पता चलेगा जी सलमाबाजी से भी बाजी की दोस्ती चल रही है खूब बातें होती हैं हंसी मज़ाक बातचीत हाराना चल रहा है सिताराबाजी का कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं कोई ऐसी बात नहीं और वो भी मिल के हंस रहे होंगे ओहो हो हो, जस्टिस और कौसर से हटा दिया हमने लोगों को उल्लू बना दिया हमने लोगों को उल्लू बना दिया ये करते हैं आपस में ये लोग ना तो हम लोग बन रहे हैं ये लोग बना रहे हैं और अभी भी इतने जज्बाती जज्बाती खुतिन के मैसेजेस आ जाएंगे कि आपको क्या जरूरत है इनके बीच में बोलने की आंटी आप अपनी उम्र देखें इस उम्र में आप ये क्या ये कर रही हैं गीबत कर रही हैं ऐसी बातें कर रही हैं वैसी बातें कर रही हैं तो भाई इस उम्र में यही करूंगी ना मैं बैठ के इतनी बुढ़ी छुड्डी खुद्दी औरत क्या करूं टांगे टूटी भी डंडी लेके मैं चलती हूं तो मैं बैठ के वीडियो ही बना लू तो सही है ना तो यहाँ बैठ के मैं आराम से ये काम कर लेती हूँ तो क्या आप लोगों का जाता है मेरे बच्चों क्या जा रहा है आप लोगों का अब मैं क्या करूं? चलते कूदते रिव्यू दू तो फिर आप कहेंगे आंटी आप इस ये हरकतें करती भी अच्छी नहीं लग रही बैठ के रिव्यूज हैं तो फिर खुश तो आप किसी में नहीं होते और अब बात करते हैं जी दूसरे ब्लैक मेलर चाचू मुच्छड़ की जी चाचू मुच्छड़ ने भी एक दिन का टाइम दिया था कि किसी से मुझे इजाजत लेनी किसी को मुझे बताना है किसी को ये करना है किसी 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 जो है ना उनको ये करना है कि भाई रोकड़ा दे रहे हो इतना रोकड़ा दे रहे हो मुझे कि मैं मजीद मुंह खोलूं बहुत लोगों को खिला दिया पिला दिया तुमने अब थोड़ा सा हमें भी दो हमें भी दो हम भी शहर आए हुए हैं हमारे भी खर्चे हैं हमें भी पैसा चाहिए होता है बहुत लिहाज कर लिया भतीजी भतीजी करके बहुत प्यार लुटा दिया बहुत हो गई बहुत हो गई भतीजी चचा भतीजी का प्यार मोहब्बत बहुत हो गया चलो निकालो जेब ढीली करो भाई जेब ढीली करो तो वो जेब ढीली होगी और देखिएगा चाचा मुच्छड़ खामोशी छा जाएगी उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा बीस पच्चीस पचास हजार उनके मुंह में ठूस दिए जाएंगे और वहां खामोशी छा जाएगी कि चलो अभी कुछ नहीं कुछ दिन बाद फिर उनको कीड़ा उठेगा फिर कीड़ा उठेगा कि हाय 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 मैं लुट गया मैं मर गया मेरे खानदान को इन्होंने तबाह कर दिया इसको कत्ल कर दिया उसको मार डाला उस पर जादू कर दिया ये सब कुछ करते हुए फिर उठेंगे फिर उठेंगे फिर पैसे चाहिए होंगे तो फिर भर दिए जाएंगे मुँह में यही सब कुछ करना है सितारा के साथ वैसे होना यही चाहिए था जितना इसने झूठ अपने अरीब करीब फैलाया हुआ है तो लोग तो अब फायदा उठाएंगे झूठ झूठ छुपाने के लिए दस हजार झूठ बोलने पड़ते हैं फिर उतने राजदार हैं झूठी शादी के राजदार झूठे बच्चे के राजदार झूठी कब्र के राजदार इतने सारे राजदार हैं, तो फिर ये तो हो नहीं था ब्लैकमेल तो हो नहीं था बस अब जब तक भाग नहीं रही दुबई उबई जब तक तो ये यह यही करेगी फिर देखते हैं निकल गई भाग गई दुबई चली गई तो और चल गया इनका काम वाम तो फिर ये देखते हैं कि इनकी ब्लैकमेलिंग में आती है कि नहीं आती काम वाम चल गया वहां से अच्छी पैसे कमाने लगे सब कुछ होने लगा तो यूट्यूब आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है पीछे हो जाए कुछ हो जाए या कम भी व्यूज आए तो चलो ना होने से तो होना बेहतर है कितना तुम तो मुझे धमकाओगे करोगे चलो देखते हैं ये सब कुछ फिर बात की बात में देखी जाएगी तो जी जनाब आप लोगों को क्या लगता है आप लोग जरूर बताइएगा कि ये इनकी आपस में ये जो दोस्तियाँ यारियाँ चल रही हैं ना प्यार मोहब्बत अकबर फैमिली का जो है नैना के साथ और सितारा के साथ और यासीन फैमिली का है नैना के साथ और नैना की अम्मा के साथ और बाकी सब के साथ ऊपर ऊपर झगड़े और अंदर अंदर प्यार मोहब्बत तो आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा और कभी कभी कौसर को भी याद कर लिया करें आप लोग सितारा के जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं कभी कभी कौसर के बारे में भी पूछ लिया करें मासूम कौसर के बारे में सवाल कर लिया करें उससे कि कौसर भाभी कहाँ पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं तो उनको याद कराते रहा करें वो हल्का फुल्का सा ज़िक्र कर देंगी अपनी वीडियो में चलें जी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में अल्लाह हाफिज